जय माता दी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इसको लगभग फरवरी से ही बनाया जा रहा है, लगभग 8-10 महीने से इसको बनाया जा रहा है। पूरा दूर तक आपको जाम ही जाम दिखेगा। तो जैसे ही ये आरओबी बनके तैयार होगा उसके बाद ये सारे जाम ख़त्म होंगे। ये सबसे पहले इस पुल को बनाया गया है और ये देख लीजिए, ये शीशों वाला, शीशों ककरहाटी वाला जो रेल लाइन है यहाँ। जय हिंद दोस्तों, आज के फ्रेश ज़बरदस्त औसम वीडियो में देखेंगे दिल्ली मोर जो आरओबी है उसका ग्राउंड रिपोर्ट, कितना काम हुआ है कितना काम नहीं हुआ है। स्वागत है आपके अपने चैनल औसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में, मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। इस आरओबी का एक बार लोकेशन देख लीजिए, ये जो जगह है यहाँ पे ये आरओबी बनाया जा रहा है। इसको बेलामोर आरओबी कहते हैं, लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कगवा और बेलामोर के बारे में। और जो आरओबी क्यों बनाया जा रहा है उसके लिए ये जाम देख लीजिए, ये पूरा जो है ना, ये दूर तक आप जाम देख लीजिए पहले। और ये देख लीजिए, ये जो है, मैं आपको दिल्ली मोड़ से जब शहर की तरफ जाते हो आप, वहाँ सबसे पहले मैं इस तरफ से आज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख लीजिए कितना काम हो चुका है, 1, 2, 3, 4, 5 पिलर के ऊपर जो ये कास्टिंग है वो सब हो चुका है, इस पे मॉड्यूल्स को रख दिया गया है। यहाँ पे काम ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। इसके बाद हो सकता है आपको धीरे धीरे जो है आगे भी काम होता हुआ दिखे। मैं आपको इस पूरे आरओबी को मैं पैदल चल के दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मेरे साथ। यहाँ से थोड़ा सा व्यू आपको अच्छा दिख सकता है जो कैसे कैसे काम किया जा रहा है। ये देख लीजिए जो यहाँ पे 3-4 पिलर का पे जो है कैसे वो मॉड्यूल्स रखे जाएंगे ऊपर, वो उसका काम हो चुका है, कास्टिंग का काम हो रहा है। ये देख लीजिए कितना अच्छा से किया जा रहा है। ये जो नॉर्थ भाग है, उत्तरी भाग में जो दिल्ली मोड़ वाला जो बेला मोड़ है वहाँ पे ये काम होते हुए उस तरफ आप इस वीडियो में एक साथ ट्रैफिक को भी देख सकते हैं जो ट्रैफिक कितना लगा हुआ है। दो वजह है, एक तो यहाँ पे जब भी गुमती गिरता है तो तब ट्रैफिक लगता है, और दूसरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है इस वजह से भी ट्रैफिक का ये हाल है। चलिए मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये एक बार देख लीजिए, स्लैब जो है ना ऊपर अभी तक नहीं रखा गया है इस दोनों पिलर के बीच में। जय माता दी कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा इसको लगभग फरवरी से ही बनाया जा रहा है, लगभग 8-10 महीने से इसको बनाया जा रहा है। और ये देख लीजिए इस दो पिलर का इसके बाद काम होगा। इसके साथ ही जो आगे जिस पे पुल पे आप देख रहे हैं जो वाहन इधर उधर मूव हो रहा है, उस पुल को अभी तोड़ दिया जाएगा। क्यों तोड़ा जाएगा? चूँकि उसके दोनों तरफ पुल को पहले बनाया गया, उसके बाद तोड़ा जाएगा। पहले चल के देखते हैं वहाँ तक और फिर रिटर्न आएंगे। ये देख लीजिए, सबसे पहले इस पुल को बनाया गया है, और ये देख लीजिए ये शीशों वाला, शीशों ककरहाटी वाला जो रेल लाइन है यहाँ से गुजरती है, एक ककरहाटी की तरफ जाता है और दूसरा जो है दरभंगा जंक्शन की तरफ, जो आगे चल के कगवा गुमती है वहाँ पे होते हुए ये दिल्ली मोड़ वाला, बेला मोड़ वाला गुमती है। और इस बीच में देखिए, आपको अगर ठीक से देखेंगे तो दो पुल बनाया गया है। बीच वाले पुल को धीरे धीरे यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा और फिर उस पर मरम्मत होगा। और ये जो पिलर है यहाँ पे, फिर इसको बढ़ाते हुए यहाँ पे एक आरओबी का निर्माण किया जाएगा। हालांकि अभी तक जो काम किया गया है थोड़ा सा धीरे हुआ है, 1-2 महीने में मैं देखा हूँ। लेकिन जितने भी दरभंगा में आरओबी बनाए जा रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम इसी आरओबी का होता हुआ दिखा है, और सबसे बढ़िया, सबसे बड़ा भी यही दिख रहा है अभी तक। आपको बता दूं जो दरभंगा में 5 आरओबी का निर्माण होना है, जिसमें 4 को आरओबी का काम ज़्यादा हो रहा है। इसमें से 4 आरओबी में से जो इस आरओबी का काम है उसका ज़्यादा काम हो रहा है, और बाकी का जो आरओबी है, लहरिया सराय, चाहे आपको पंडा सराय हो, चाहे आपको कगवा गुमटी हो, उसमें जो है थोड़ा सा काम स्लो है।
इससे ज़्यादा स्लो है, सबसे ज़्यादा काम इसमें है। उसके बाद आपको लहरिया सराय और पंडा सराय में एक जैसा काम हो रहा है, और उसके बाद जो है कगवा गुमती में थोड़ा सा ही काम हुआ है। आपको मैं इस तरफ इसके इस तरफ आपको जाके दिखाऊंगा जो कैसे काम हो रहा है, और हालांकि एक पुल इस तरफ दिखा चुका हूं, दूसरे उस तरफ पुल जाके दिखाता हूं कैसा दिख रहा है। ये देख लीजिए जो दूसरा पुल है ये बनाया जा रहा है, ये पूर्वी भाग है, इससे पहले वाला आपको पश्चिमी भाग देखा था, और ये सामने जो है आपको जो है गुमती है। धीरे धीरे इसका यूज़ किया जाएगा, अभी देख लीजिए ट्रैफिक का क्या हाल है, इसीलिए तो ये आरओबी बनाया जा रहा है, इसी ट्रैफिक को यहाँ से डीकंजेस्ट करने के लिए, यहाँ से हटाने के लिए। हालांकि 26 फरवरी 2024 को इसका शिलान्यास किया गया था, और बाद में इसको अमली जामा पहनाया गया जा रहा है। चलिए उस तरफ भी जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसी तरफ से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस रोड की मैं बात कर रहा था वो ये है, जो ये पुल है, इस पुल को तोड़ा जाएगा। अभी थोड़ा सा ट्रैफिक है यहाँ पे, जैसे ही ये पुल, ये देख लीजिए ये पुल बन के तैयार होगा तो उसके बाद इसका हो जाएगा काम। ये देख लीजिए यहाँ पे, जहाँ पे आपको मैं दिखा के गया था लास्ट वीडियो में, उससे ज़्यादा काम होते हुए यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे जो है कुल पिलर इस तरफ जो दक्षिणी भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 सात पिलर मेरे को दिख रहे हैं, बने हुए हैं, और लगभग इतने ही पिलर उस तरफ भी हैं, और ज़्यादा काम नहीं हुआ है यहाँ पे। लास्ट वीडियो में जब तक देखेंगे जो स्लैब है वो इसके ऊपर रख दिया गया है, और धीरे धीरे जिस जैसे उत्तरी भाग में काम हुआ है उसी तरह से यहाँ भी काम होगा थोड़े ही दिन में, 2 वीक के बाद जो है इसमें काम होते हुए दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे जो जितने भी जाम लग रहा है, वहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, वो जाम होना बंद होगा। तो ये इस वीडियो को जो है कैसा लगा है आपको, देख लीजिए कितना ज़्यादा ट्रैफिक जाम है पूरे, आप इस माहौल को देखें, ये देख लीजिए पूरा दूर तक आपको जाम ही जाम दिखेगा। तो जैसे ही ये आरओबी बनके तैयार होगा उसके बाद ये सारे जाम ख़त्म होंगे, और एक स्मूथ ड्राइविंग दरभंगा के लोग भी ले सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।